जनपद कानपुर देहात में उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक तेज रफ्तार ट्रेवल बस अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 3 दर्जन यात्री बस में फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों की मदद से घायल यात्रियों को बस से निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं यह हादसा नेशनल हाईवे के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जिसमें साफ तौर पर बस अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे पलटती नजर आई। थाना अकबरपुर के ग्राम टोडा मोहम्मदपुर में एक प्राइवेट बस जो कानपुर से दिल्ली जा रही थी जिसका नंबर RJ18PB8111 अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें 30 से 35 यात्री करीब थे। थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंच के सभी यात्रियों को सकुशल बस से निकाल लिया गया। एक महिला जो घायल थी उसको तत्काल जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बाकी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए तत्काल वाहनों की व्यवस्था की गई। अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।